अरे दिल्ली में पब्लिक जो कोरोना बीमारी फैला हुआ है, इसमें पब्लिक की सेवा के लिए चाहे किसी को आना जाना हो, घर से आना जाना हो, या किसी कोई पेशेंट हो या किसी को एम्बुलेंस ना मिले, या कोई किसी का पेशेंट आया हो हॉस्पिटल से घर जाने की सुविधा ना मिले, तो उसकी सेवा के लिए हम ये गाड़ी चला रहे हैं। और कोविड के टाइम पे हर किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को भी थी, तो इन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिया मेरे से और फ्री ऑफ कॉस्ट में इजीली मुझे घर ड्रॉप कर दिया। काफ़ी अच्छा वे ऑफ टॉकिंग था ड्राइवर का, जो हमारे साथ पोलाइटली वे ऑफ टॉकिंग था जिनका, जो हमें इजीली हमारे को घर ड्रॉप कर दिया। डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी अगर सबके बच्चे घर पर बैठेंगे तो बॉर्डर पर लड़ाई कौन करेगा, इसलिए हम सबको निकल कर के आके बाहर घर से निकलना है। वो किसी न किसी की तरह से आम जनता की सेवा, चाहे जिस तरह हो, धन बल या अपने सामान से, जिस तरह से एक दूसरे की सेवा करना ही पड़ेगी। मैं सड़क सुरक्षा का काउंसलर हूँ। मेरे बड़े भाई महेश सिंह कुशवाहा उत्तर भारतीय विकास परिषद, उन्होंने सारा मैनेज किया है। यहाँ हम लोग 30 बेड ऑक्सीजन की और 20 शादी ऐसी 50 बेड की हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं, जिसमें सुबह का नाश्ता और दो समय का भोजन हो, इसके साथ में जिस जो भी दर्दी यहाँ आएंगे उनको निःशुल्क सारी सेवा दी जाएगी, किसी से भी 1 रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ सुबह और तीन टाइप के डॉक्टर हैं, ये दो डॉक्टर रहेंगे, 6 घंटे और दो, और बाद में 12 घंटे और दो, कुल मिला के 6 डॉक्टर रहेंगे और नर्स, स्लीपी स्लीपर सब यहाँ व्यवस्था की गई है। Thank you.